ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपको पता है कि जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उस वीडियो के अंदर यही था एग्जैक्टली कि भाई कैसे आपको जो है जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो यूएस टैक्स का जो यूट्यूब का एक अपडेट आया है वो क्या चीज़ है और किन लोगों के लिए वो लागू होगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बट फ्रेंड अभी बात यहाँ पे आखिर में ये करते कि भाई अब जब आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो फिल कैसे करना है, यानी कि आप तो ये समझ गए कि भाई वो क्या चीजें हैं, किसके ऊपर लागू होगा, कौन उसके एलिजिबल है, क्या क्या उसके रूल्स हैं और कितना अमाउंट कटेगा, कितना डिडक्शन होगा, सारी चीजें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा आई बटन में आप जाके देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाके उसको देख सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करें आखिर में कि भाई हम जो ये टैक्स का जो पूरा डिटेल है हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि ताकि हमारे से कोई भी किसी भी तरीके की गलती ना हो जिससे कि आगे चल के हमें किसी तरीके का नुकसान हो। तो फ्रेंड्स सब कुछ पूरी डिटेल आपको बताऊंगा मैं ए टू जेड। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे और क्या आपको ध्यान रखना है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करते टाइम। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो आ गए हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो इस तरीके से आपको येलो कलर के अंदर यहाँ पे इस तरीके से मैसेज दिखाई दे रहा होगा, या आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन में भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अलर्ट है, कुछ मैसेज है कि भाई चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम यू। तो सो यहाँ पर जो भी ऑल क्रिएटर्स हैं भैया, जितने भी लोग हैं सबके लिए ये इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ज़रूरी है। अब आप यहां पे नीचे देखेंगे एक चीज़ आपको दिखेगा जिसमें लिखा है मैनेज टैक्स इन्फो, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं, देखिए आप इस तरीके से भी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर देखेंगे इस तरीके से आपको यहां पर ऐसा मैसेज देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आप इस तरीके से आए और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे लिखा आ गया कि भाई एड टैक्स इन्फो, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका आईडी है उसका आपको पासवर्ड यहाँ पे इनपुट कर देना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं एक बार और उसके बाद आगे हम करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो भी आप पासवर्ड डाल देंगे उसके बाद में आपके पास में यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। आप यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज़, आपका नाम, और उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि भाई इंडिविजुअल है या आपका बिजनेस है। तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो आपका इंडिविजुअल है। अगर आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या बिजनेस है तो आप इस तरीके से पेमेंट मेथड पे जाके डायरेक्ट आप वहाँ पे मैनेज सेटिंग में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका जो है अकाउंट टाइप क्या है। वैसे नॉर्मली हर किसी को पता होता है कि मेरा अकाउंट टाइप जो है बिजनेस है या इंडिविजुअल है। तो फ्रेंड्स अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, अगर आपका बिजनेस है तो आपको नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये अकाउंट इंडिविजुअल है तो इस पर इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद हमें करना है यहाँ से नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा आता है, आर यू ए सिटीजन ऑफ रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो भैया क्या आप जो है सिटीजन हो यूनाइटेड स्टेट के? नहीं भैया, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के आप सिटीजन नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, एक आपके पास में यहाँ पे आता है कि भाई W8BEN और एक आता है W8ECI। दोस्तों ये वाला फॉर्म जो है यानी ये वाला कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, आपका अपना पर्सनल अकाउंट है उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है, और ये वाला सेलेक्ट करना है अगर आपका कोई फर्म है, कोई कंपनी है जिसके लिए अपना अकाउंट आपने बनाया हुआ है एडसेंस का, जो कि आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस के केस में आपको ये सेलेक्ट कर लेना है, बट इंडिविजुअल में आपको यही सेलेक्ट कर लेना है यानी पहला वाला W8BEN, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है इंडिविजुअल के लिए। इसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए स्टार्ट W8BEN फॉर्म पे आपको स्टार्ट कर देना है, और जैसे इसके ऊपर आप स्टार्ट करेंगे तो आगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप खुल जाएगा। और अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नाम मिल जाएगा जो भी आपके अकाउंट का नाम है, और यहाँ पे दो चीज़ें हैं लाइक ये आपका डूइंग ए बिजनेस है, तो आपका अगर कोई कंपनी है, कोई फर्म है तो आप यहाँ पे अपनी वो नाम डालिए, अदरवाइज अगर आपका इंडिविजुअल है तो आपको कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे इनपुट नहीं करना है। सिटीजन ऑफ, आप यहाँ पे कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए इंडिया। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे देखना है टैक्स पेयर,
टैक्स पेयर आइडेंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे फॉरेन TIN और इसके बाद में USTIN एंड SSN, तो ITIN और SSN। दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है ये जो TIN है आपको इस जगह, देखिए ये ऑप्शनल, आपको इसमें कोई भी चीज़ नहीं फिल करना है, आपको ये जो TIN है आपको इस जगह पर आपको अपने पैन नंबर को इनपुट करना है। तो इस बात का ध्यान रहे, आपका जो भी पैन कार्ड है वो पैन कार्ड का नंबर ही आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, यानी जिस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट है उस नाम से आपके पास में जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपने पैन कार्ड लगाया तो एग्जैक्टली वही वाला पैन कार्ड आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना। तो एक बार हम यहाँ से जो है पैन कार्ड का नंबर इनपुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैन कार्ड को इनपुट कर दिया और पैन कार्ड को इनपुट करने के बाद हमें करना है नेक्स्ट। और जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, यानी कि आपका कंट्री तो हो गया, एड्रेस, एड्रेस आपको वही वाला एड्रेस डालना है जो एड्रेस आपने अपने एडसेंस के अंदर साइन अप करते टाइम पे डाला था। तो हम यहाँ से ये एड्रेस हो गया, आपका टाउन हो गया, पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, एग्जैक्टली ये सब चीज़ें आपके पास में तब आती हैं जब आप एडसेंस साइन अप करते हो। तो आप अपने एडसेंस में पेमेंट मेथड पे जाके आप वहाँ पे इजीली आप उसको चेक कर सकते हो आपका एड्रेस क्या डाला है आपने, वहाँ से अपना वेरीफाई करके यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। तो एक बार मैं सबसे पहले सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स फिल कर दिया और यहाँ से हम दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे पोस्टल एड्रेस इज़ द सेम एज ए परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, यस आपका ये पोस्टल एड्रेस सेम है। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है ये चीज़ भाई कि यहाँ पे लिखा आ रहा है टैक्स टेरिटी टेरिटी। तो दोस्तों ये बेसिकली क्या है, आपको मैंने उस वाली वीडियो में बताया था कि भाई अगर भारत सरकार या कोई भी देश अगर US सरकार US के साथ यानी कि अमेरिका के साथ में अगर टैक्स के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का समझौता किया हुआ है तो अगर उस चीज़ के अंदर आप आते हैं जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, मैंने पहली वाली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ ये चीज़, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई आपकी कंट्री क्या मतलब US के साथ यहाँ पे ट्रिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पता है कि भाई हमारा जो देश है वो यहाँ पे उसके साथ समझौते के साथ है, तो आपको इसके ऊपर बस क्लिक करना है यस के ऊपर। और यहाँ पे नो पे आप देखेंगे लिखा है कि भाई US टैक्स लो मैनी इम्पोज एज 30%। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पहले ही बता चुका है। तो हम यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस रेट ऑफ यहाँ पे विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रेटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम यस के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे चेक करना है और चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, नीचे आना है। और नीचे आने के बाद में अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और अच्छे से और ध्यान से समझना है भाई कि सोशल रेट एंड कंडीशन, सॉरी स्पेशल रेट एंड कंडीशन। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों में देखिए सबसे पहला चीज़ है सर्विस, यानी सर्विस क्या है एडसेंस। एडसेंस में क्लिक करना है आपको यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ पे क्लिक कर देना है और इसमें आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 30%। ठीक है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है 30%। नेक्स्ट इसके बाद में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसको यस। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है मोशन एंड पिक्चर एंड टीवी पे, इस पर भी आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है 15%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है और देन इसके बाद आपके पास में यहाँ पर अदर कॉपीराइट, इस पर क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और सेम आपको यहाँ पे 15% पे आपको क्लिक कर देना है और इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप क्लिक कर देंगे और एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे एडसेंस सर्विस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास में 0% रिड्यूस रेट है और या तो हमारे पास 30% रिड्यूस रेट है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। यहाँ पे मे बी आपके पास में हो सकता है कि 15% का भी ऑप्शन आ रहा होगा, तो अगर ये चीज़ आ रहा होगा तो आपको वो भी सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज़ यहाँ पे जो भी ऑप्शन है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको आगे कंटिन्यू कर देना है। और आपको स्टूडेंट सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको यहाँ पर इनमें से ये दो रेट दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे भाई 30% क्यों आप डिफ़ॉल्ट पे सेट करोगे, आपको क्या करना है 0 पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया, 15% यहाँ पे 0%, और इसके बाद नेक्स्ट आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर आता है कि भाई सारी चीज़ आपको दिखा देगा एज ए लाइक इस तरीके से आप देखिए।
और इसके बाद आपको यहाँ पे आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे फुल आता है फुल लीगल नेम, तो आपको यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम डाल देना है, जो भी आपका एज पर योर पैन कार्ड या जो भी आपका लीगल नेम है वो सारी चीज़ें आपको इनपुट करनी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम डाल दिया, अब आपको यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ और समझना है कि आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछ रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ। तो भैया आपको यहाँ पर इसी पे क्लिक कर देना है यस पे, और यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको कर देना है नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन है, इनके भी आपको जवाब देना है। यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्म इन द US। तो यहाँ पे लिखा है कि भाई कि हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाई इन द टैक्स। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप इसको पढ़िए और इसके बाद में इस पर आपको आगे टिक करके नेक्स्ट कर देना है। बट हाँ, ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ना है, अगर कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इसको डायरेक्ट ट्रांसलेट भी कर सकते हैं ईजिली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो मैंने आपको बताया ये चीज़ आपको यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ से नो कर देना है, और नो करने के बाद आपको यहाँ पे टिक कीजिए। उसके बाद में बस अब आपको यहाँ पे एक सबसे मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये वाला सेक्शन तो ये है कि भाई आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट हैज़ नॉट रिसीव्ड पेमेंट, सबसे पहली चीज़ है। दूसरा है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो एंड एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट प्रीवियसली रिसीव्ड पेमेंट। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि भाई ऊपर वाला है कि भैया कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है बट मैं ऑलरेडी यूज़र हूँ, बट यहाँ पे दूसरा वाला है कि भैया कि यहाँ पर जो है मेरे पास पेमेंट आती है। तो ये दोनों ऑप्शन है, अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, अगर आपकी पेमेंट आती है तो नीचे वाला और अगर नहीं आती है तो ऊपर वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि भैया अगर मान लीजिए अभी आपने शुरुआत किया है चैनल, अगर मोनिटाइज भी नहीं, अगर आपने पहले से एडसेंस अकाउंट बना के रखा है, पुराना कोई एडसेंस अकाउंट है, पेमेंट नहीं है, ये बिल्कुल आपका अकाउंट पुराना है या नया अकाउंट एडसेंस का, तो आपको सेलेक्ट लेना है ऊपर वाला। अगर पेमेंट नहीं आई है एक बार भी तो ऊपर वाला, अगर आपकी पेमेंट आई है एक बार भी मतलब कभी भी आपके अगर पेमेंट आई तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे वाला सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ से यस कर देना है, और यस करने के बाद में आप यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं यहाँ पर टिक करने के बाद में। अभी जो चेंज है इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, ऑप्शनल है बिकॉज ये। और अब सारी इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आपने सब कुछ सही तरीके से फिल किया होगा, जो भी आपने पीछे भी फिल किया होगा सारी इन्फॉर्मेशन, तो इस बात का ध्यान रहे सारी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट फिल करेंगे तो ही बेनिफिट है, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख के ही सारी चीज़ें करें। अब ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर सबमिट करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, और उसके बाद में टाइम लेने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फाइनली दोस्तों इस तरीके से आपके पास में सक्सेसफुल का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे सब चीज़ें यहाँ पे अप्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें यानी हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सबमिट हो चुका है। और इस तरीके से फ्रेंड्स आप आसानी से सारी चीज़ें आप फॉर्म को फिल कीजिए, और उसके बाद में अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ले सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी डायरेक्ट फॉलो कीजिए, डायरेक्ट डीएम करिए, डेफिनेटली मैं इंस्टेंट रिप्लाई करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं कर सकूँ। तो बस फ्रेंड मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।